तो हम भी एक गलती का हिस्सा कभी कभी बन जाते हैं, उस पे लेटर मिल जाता है तो मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है कि वो मेरे जो काम है उसको देख रहे हैं, अफसर जो है वो मुझ पे निगाह रखते हैं कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और ये है कि उनकी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ और हमारा बस जाती रहूँ। अच्छा जब आप बाहर निकलती हैं कभी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए तो परस्तार तो यकीन तौर पर आपको पहचान ही लेते हैं, तो कभी किसी परस्तार ने आपको पता किया कि आप तो बहुत गुस्से में आ गई हूँ और आप कहने में ये क्या मेरे पीछे पड़ गया है, कोई ऐसा वाक्य? हाँ जी, ऐसा वाक्य मेरे साथ हुआ था। जल्ला मोड़ में गई थी सुबह सुबह नाश्ता करने, पाए खाने गई थी, तो वहाँ पे ना मैंने नकाब नहीं किया हुआ था तो काफ़ी लोग जब सेल्फियाँ लेने लगे, एक जो मेरा फैन था वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। हमने गाड़ी वहाँ से इतनी भगाई है, फिर भी वो बाइक पे था हमारे पीछे आया, तो हम जो है गलियों गलियों में घुस के निकल गए। तो ये है कि जो पुरस्कार है मुझे लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की हरकतें जो है वो ना करें कि बिल्कुल इंसान को जैसे बबल की तरह किसी के साथ चिपक जाता है ना, वो काम नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर परफॉर्मर की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो हॉल में दाखिल हो तो ऑल तालियों से गूंज उठे, और जब वो परफॉर्म करके जा रही हो तो बहुत ज़्यादा तालियाँ, किसी दिन तालियाँ ना बजे तो आप मायूस होती हैं, अफसरदा होती हैं? नहीं, वैसे मेरे साथ तो कभी ऐसा वाक्य नहीं हुआ कि कभी तालियाँ ना बजी हों, हमेशा ही। और आर्टिस्ट के लिए जो तालियाँ वो ऑक्सीजन की चीज़ रखती है, तो उससे ऑक्सीजन से ही है कि वो जितनी तार मिलती है उतना ज़्यादा हौसला मिलना मिलता है, तो क्लैप तो होती है इनकी परफॉर्मिंग में। और ये जो अलहबरा है इसमें वो एक मधुर से ना गाने की परफॉर्मिंग पे हलावा जो है ना इतना भी एक लिमिटेड रखा है, जैसे दूसरे थिएटर में हलावा ज़्यादा होता है। ये अच्छा ये बताइए कि अगर आपको डायरेक्शन का मौका मिले थिएटर में तो क्या आप बतौर डायरेक्टर कोई ड्रामा करेंगे? डायरेक्टर जहाँ तक है, डायरेक्टर तो ख़त्म ही हो गया थिएटर पर, डायरेक्टर आए ही, और ये जो ड्रामे तबाह और बर्बाद स्टेज तबाही की तरफ जा रहा है, इसकी असल जो रीज़न है वो यही वो डायरेक्टर कि डायरेक्टर को दूर कर दिया, दूर कर दिया इस स्क्रिप्ट को इस ड्रामे से। डायरेक्टर जो है वो कहते हैं कि डायरेक्टर हो ही ना, किसी भी आर्टिस्ट को उठा के कहते हैं कि आप ये ड्रामा बना लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, तो इस तरह जो थिएटर है वो तबाही की तरफ जा रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। मैं खुद अभी सीख रही हूँ तो मैं किसी को क्या सिखाऊँ, तो इसलिए बेहतर है कि जो हमारे सीनियर्स डायरेक्टर हैं उनको तैनात किया जाए हर थिएटर में, और वो हमें कुछ सिखाएं, हमें कुछ नया करने की दें कि भाई ये वन लाइन है आपने इससे कुछ नया करना है, नया सीखना है। जैसे कि तमाशे में वो नसीम की साहब डायरेक्टर है, हाँ जी, वो अच्छा, हाँ जी, वो कोई ना कोई नया ड्रामा बनाते रहते हैं, कोई भी मूवी आ जाती है तो उस पर ड्रामा लिख लेते हैं। तो ये है कि डायरेक्टर ड्रामों का बाप होता है, तो उसको होना चाहिए ड्रामे में, अगर अच्छे ड्रामे हम पेश करना चाहते हैं, कहानी नई से नई होगी तो पब्लिक दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और अगर हम अपने बाप को ही नहीं समझेंगे तो फिर हमें कौन समझेगा? आपका पसंदीदा रंग कौन सा? पसंदीदा रंग मेरा रेड है और वाइट। आज तो आप दूध छोड़ा लग रही है। हाँ जी, बस मेरा भी दिल करते हैं पीना पीना पीने के बहुत दिल कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे ये बारबेक्यू चाप, बारबेक्यू टिक्के और बारबेक्यू बिरयानी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फेवरेट डिशेज है आपकी? हाँ जी, तो मटन का साग वो मुझे अच्छा लगता है, चिकन जो है वो मैं लाइक नहीं करती, सारे बना लेती हूँ अल्लाह का शुक्र। और जो सबसे ज्यादा अच्छा मेरे से बनता है वो पराठा है। लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मैं भी नहीं पूछूंगा आपकी उम्र, लेकिन आपके स्टार क्या है? स्टार मेरा विगो। विगो है? हाँ जी, माशाल्लाह। सितंबर क्या था जी? अच्छा, तारीख से बता दे, स्टार नाम बताए।
के आपकी तारीख है 2 सितंबर मैंने 19 नहीं 2 दो हाँ 2 सितंबर मेरी 17 है इतफाक ऐसा है कि मेरको वर्सेस मेरको है हाँ जी अच्छा तो आपके स्टार में खास बात क्या है स्टार में खास बात ये है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वो कहते हैं ना कि मिट्टी उठाओ तो सोना हो जाता है वो बात है और कामयाबी आपकी कदम मेरे माँ बाप की दुआएं भी है और आपकी लगन भी है और इससे आप जहाँ भी जाती हैं और अपनी लगन और मेहनत से जो काम करती हैं तो आपको कामयाबी मिल गया है और इसके पीछे आपकी वालदा की दुआएं हैं हाँ जी बेशक वालदा और वालद की लोग वालदा को याद रखते हैं वालद को नहीं रखते तो मैं चाहती हूँ कि वालदा को भी और वालद दोनों की खिदमत भी करें और उनसे प्यार भी करें उनसे मोहब्बत भी करें और कभी भी ये ना कहें कि ये मेरे पीछे माँ की दुआएं हैं हमेशा यही कहें माँ बाप की दुआ अच्छा आपको अपनी सीनियर्स में से कौन सी परफॉर्मर बहुत पसंद है थिएटर में थिएटर में थिएटर में तो ज़ाहिर है नरगिस ही नरगिस उनका कोई शादी नहीं है कोई तोड़ नहीं है वो आज भी आपके आइडियल है और आज आप जो प्रभाव कर रही हैं उसके पीछे नरगिस साहबा का आप देख के जो उन्हें तोड़ बाकी उनका कोई नहीं है अच्छी हैं उन्होंने जो भी काम किया अपनी मेहनत से किया और उन्होंने अपना नाम मुकाम बनाया स्टेज की दुनिया स्टेज की कोई है कोई नहीं ये बिल्कुल अच्छा हमारी सीनियर है कॉमेडियन तो सभी अच्छे हैं लेकिन जो सबसे नहीं कॉमेडियन सभी अच्छे हैं सभी को मैं लाइक करती हूँ और जो जो अलमरा ज्यादा हाँ जी जो अलमरा में काम कर रहे हैं उनको या और जो हमारे ओवरऑल बात हो रही है तो कोई ऐसा तो अमानत चांद साहब जो अमानत चांद साहब हैं वो भी अच्छा काम करते हैं और फैमिली एक्टर हैं वो क्योंकि फैमिली बच्चे उनको बैठ के देख सकते हैं वो कोई ऐसी जुगत नहीं करते ऐसी बात नहीं करते फिल्म में आपके कौन से पसंदीदा फनकार फिल्म में अभी के या पुराने नए मिला के जरा कुछ 2-4-10 फनकार हाँ अंजुमन जो है वो मुझे बड़ी पसंद है और अब साइमा वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और सईद नूर साहब से भी मैं कहना चाहूँगी कि वो भी जो है वो थिएटर की दुनिया में भी देखें यहाँ पर भी बड़ा टैलेंट फैला हुआ है तो इनको भी आगे उजागर करें ये नहीं कि बस एक थिएटर भी उनको करना चाहिए लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी है लेकिन ये है कि वो हमारी तरफ भी तवज्जो दें हम भी टैलेंट से भरे हुए हैं तो हमें भी अच्छी फिल्में करने का मौका दें ताकि हम भी पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवा सकें हाँ जी उनको भी आप अगर सुन रहे हैं तो यकीनी तौर पर पायल चौधरी साहिबा की बात पर और थिएटर की क्वीन है और आप इन्हें फिल्म की क्वीन बना दी हाँ इंशाल्लाह और जो कराची में आजकल मूवीज बन रही हैं वो अगर उनमें भी कोई अच्छा काम हो तो मैं जरूर करूंगी क्योंकि आजकल वो बड़ी अच्छी फिल्में बना रही हैं इंडिया के मुकाबले में यानी आप ये कहना है कि फिल्म हो टेलीविजन हो काम अच्छा होगा तो आप यकीनन करेंगी हाँ जी और काम अच्छा नहीं होगा तो बस फिर थिएटर तक हाँ फिर इसीलिए आज तक मैं थिएटर तक मैं दूर हूँ क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा अगर अच्छा रोल अच्छा काम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूँगी अच्छा कभी सोचा है कि कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि जब आप ये ख्याल होगा कि मैं छोड़ दूँ बस बहुत कर रही हैं कोई ऐसा वक्त जाहिर है ऐसा वक्त तो सब ही आता है सब सीनियर भी आएगा मुझ पर भी आएगा तो मैंने ये सोचा होगा कि जब मैं उमरा और हज करूँगी तो फिर काम वैसे तो आप बहुत सारी आर्टिस्टों ने किया मुझे सभी लोग बहुत कहते हैं कि आप हज कर लें उमरा कर लें लेकिन मैंने कहा कि जब हाजी करवाना ना तो फिर नाचना नहीं फिर नाचना नहीं वो कह रही है शो भी सही नहीं शो भी कुछ भी नहीं करूँगी फिर हाजी कहेंगे तो फिर तस्वीर करनी है नमाज़ें पढ़नी है खैर बात करें
डोमेस्टिक लाइफ होगी और उसके साथ कोई प्रोफेशनल रूटीन या पार्लर ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल सही है या पार्लर ये चीजें कोई और काम वाले काम जाहिर है हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा जिंदगी गुजारने के लिए। नाज़रीन बातें तो बहुत सारी है और वक्त जो है इजाज़त नहीं देता कि हम बहुत सारी बातें करें। पायल चौधरी साहब की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम भी सुन रहे थे और आप भी सुन रहे हैं, तो दिल तो नहीं चाहता कि हम इनसे रुख्सत लें, लेकिन हर जो प्रोग्राम है उसका कुछ ना कोई वक्त होता है जिस पर वो इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। तो हमारे साथ पायल चौधरी साहब भी मौजूद थी और सीनियर फनकार जो हैं शहबाज़ हुसैन साहब भी मौजूद थे गुफ्तगू में, वो भी अपना हिस्सा डालते रहे। शहबाज़ हुसैन साहब बहुत गम गुस्से में आज, क्योंकि इलियास अहमद जो यहाँ काम भी कर रहे हैं और जिनके घर की छत भी गिर गई थी, उनके लिए किसी फनकार ने कुछ नहीं किया, तो उस हवाले से उन्होंने बहुत सारे फनकारों को उनका माजी उनकी औकात याद दिलाई कि जब वो पान और सिगरेटों के लिए भी लोगों से पैसे मांगते थे, कोई शरबत बेचता था और कोई फर्नीचर के कारखाने में काम करता था और कोई किसी झुग्गी में बैठ कर झुकते लगाता था, और अब वो बड़े बड़े फनकार बन गए लेकिन अपने माजी को भूल गए। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त हसन अब्बास जैदी को इजाज़त दीजिए, और जाने से कबल मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन पर अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी इस्लाह का काम करती है। और फिर एक बार कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल एमएनएन टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।